आइए आज हम बात करते हैं कि अगर बाय एनी चांस आपके पास साईं बाबा की उदी खत्म हो जाती है या विभूति खत्म हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं हूँ एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर, एक हीलर और साईं भक्त, यानी कि मैं अपने आप को साईं बाबा की बेटी समझती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे एक पिता की तरह प्यार करते हैं और एक पिता की तरह मेरा देखभाल करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा आज तक मैंने जो साईं बाबा के ऊपर आपको बातें बताई हैं या अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करे हैं बाबा की ब्लेसिंग्स के बारे में, आप ही में से किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि अगर हमारे पास विभूति खत्म हो जाती है बाबा की तो हम क्या करें या हम कहाँ से वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाबा की विभूति इतनी चमत्कारी है, इतनी चमत्कारी है कि आप आपके आसपास जो भी मंदिर हो जहाँ पे साईं बाबा का स्पेस बनाया हो, उन्होंने मंदिर बना रखा हो, आप वहाँ से वो विभूति को लेके आ सकते हैं। और इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पर नहीं है या वहाँ के जो पुजारी हैं वो आपको नहीं दे रहे हैं या कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, कुछ भी इस तरीके का, तो देखिए बाबा ये कहते हैं कि विभूति बहुत चमत्कारिक है, बहुत चमत्कारिक है। बीमार इंसान को ठीक करने की क्षमता रखती है। वो इंसान जो डिप्रेशन में है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने पे निकाल सकती है। वो इतनी पावरफुल है। आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप विभूति अपने गले पे लगाइए, अपने माथे पे लगाइए, थोड़ा सा उसको अगर आप चख लेते हैं बहुत मिरेकुलस इफेक्ट आपको दिखेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप बाबा के धाम पे होते हैं, शिरडी पे होते हैं या बाबा के मंदिर में होते हैं, बाबा जहाँ पर भी स्थापना रखी है उनकी आप वहाँ पर होते हैं, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलती है? शांति मिलती है मन की। तो जब आप वो शांति अपने मन में लेके आते हैं, वो सुकून अपने मन में लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बाबा की ग्रेस में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब रही बात कि नहीं हमारे को बच्चों को भी टीका लगाना है, हमारे को अपने घर में पूजा मंदिर में रखना है ताकि कोई भी जिनको भी हम ब्लेसिंग्स देना चाहें तो हम एक टीका उनको लगा सकते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको दो तीन तरीके यहाँ बताने वाली हूँ और ये सारे तरीके साई सत चरित्र जो किताब है, जो बुक है, उसमें लिखे हुए हैं। चैप्टर 33 के अंदर लिखे हुए हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो साई बाबा ये कहते हैं कि अगर आप सड़क पे पड़ी मिट्टी को भी लेके आ जाएं और उसको आप ऐसे अपने दिल में रखें, ऐसी इंटेंशन उसको डालें कि ये बाबा की विभूति है, और उसके उस विश्वास के साथ अगर आप उसको तिलक भी करते हैं ना, तो वो जो सड़क की मिट्टी थी, वो सड़क की धूल थी, वो भी विभूति बन जाएगी। बिकॉज अगेन बाबा ने हर बार हमको यही समझाया है, आपकी इंटेंशन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, यही ताकत देता है इन सब चीज़ों के अंदर। हालांकि जब मैं शिरडी में जाती हूँ तो बाबा की कृपा से कई लोग मुझे मिलते हैं वहाँ पर, जो मुझे ना इतना भर के फूल भी देंगे, इत्र भी देंगे, जल भी देंगे, लड्डू भी देंगे, विभूति भी देंगे। ये सब बाबा की कृपा है। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, बट आज क्योंकि मैं रेगुलर जाने लगी हूँ शिरडी, तो मुझे बहुत लोग वहाँ मिलने लग गए हैं, बहुत लोग पहचानने लग गए हैं, तो दे डू इट आउट ऑफ लव, और शायद ये बाबा ही उनको करवाते हैं। बट वहीं पर मैंने ये भी समझा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक पैकेट विभूति का नहीं मिल पाता, मे बी ख़त्म हो गया है या यूज़ हो गया, घर नहीं लेके आ पाए, तो उस केस में हम क्या करें? तो अगरबत्ती का जो लेफ्ट ओवर होता है ना, जो एशेस बच जाते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज विभूति। अगेन आपकी इंटेंशन क्या है, आप उस विभूति का क्या यूज करने वाले हैं और आपने कितना ज्यादा विश्वास रखा है अपनी प्रेयर्स के ऊपर। सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए ये चीज नहीं करिएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मगर अगर हाँ आप विश्वास करेंगे, बाबा में लीन रहेंगे, मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ दो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जिंदगी में जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या होगा या कैसे होगा, बाबा यहाँ तक तो पहुँचाया बट आगे क्या, तो उस मोमेंट पे ना मैं सोचना छोड़ देती हूँ, बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे पता है
इतने बड़ी दुनिया के अंदर, इतने सारे लोगों के बीच में, और इतने बड़े ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में कितने सारे और प्लैनेट्स में, उन प्लैनेट्स के अंदर कितने सारे और कितने सारे यूनिवर्सेस के बीच में, मैं एक छोटी सी चींटी के बराबर हूँ। तो जब बाबा मेरा ध्यान रख सकते हैं तो इतने सारे और लोगों का क्यों नहीं ध्यान रखेंगे, मेरा तो ये विश्वास है। तो जब इतने बड़े ईश्वर को, इतनी बड़ी शक्ति को जब मैं दिख सकती हूँ और वो जब मुझ पर कृपा कर सकते हैं, तो आप पे क्यों नहीं करेंगे? आप अपने लेवल पे अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने लेवल पे क्या करती हूँ, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में होती हूँ, या जब मेरा मूड ठीक नहीं होता, या जब मैं थोड़ा सा भटकी हुई होती हूँ अपने अपने रास्ते से, बिकॉज देखिए आप समझिए, मेरी भी लाइफ है, मेरे भी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। तो जब मुझे क्लैरिटी मिलती है, कैसे? जब मैं ध्यान में लीन रहती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि हे ईश्वर, अब मुझे नहीं पता यहाँ से आगे अब आपने संभालना है, मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया है, दिस इज माई डिसीजन नाउ, ये कब कैसे कहाँ होगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो जब मैं इतना विश्वास कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा कर सकेंगे, क्योंकि मैं तो 100% अपने आप को सरेंडर करती हूँ बाबा पे। तो बस यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही विश्वास लेके आएँ बाबा के प्रति, ठीक है? तो आई होप वो लोग जो बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं कि भाई हमारी विभूति ख़त्म हो गई है, वापस होती नहीं है, हम कैसे लेके आए, हम किससे अरेंज करवाएं, हम कहाँ से किससे मांगे, किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बाबा की विभूति आपके पास पहुँचनी होगी, वो अपने आप पहुँचेगी। बट फिलहाल हाँ, जैसे कि मैंने बताया, साई सत चरित्र जो बुक है, चैप्टर 33 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि माटी को भी अगर आप विभूति समझ के लगाएंगे तो उसमें भी मेरा आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगरबत्ती के एशेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक फूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोच के कि ये बाबा के चरणों का फूल है ना, है तो सारा भाव का खेल, आप कैसे अपने भाव को यूज़ करते हैं आगे। तो चलिए इसी नोट के साथ कि आपको आपका आज का जवाब मिला होगा, और अगर आपके मन में भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा आपको उसमें हेल्प कर सकूं, हालांकि मैं कोई नहीं होती हूं हेल्प करने वाली, ये सब ईश्वर की ही कृपा है जो आप तक पहुंच रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को हर साई भक्त तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने अपना काम कर दिया आप तक ये मैसेज पहुँचा के, अब इसको आगे आप लोगों तक पहुँचाएंगे, आप अपना काम ज़रूर कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब साई में और कृपा ढूंढना शुरू करें और श्रद्धा बढ़ाएं अपनी, मैं प्रिया कौल अब आपसे अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।